गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और देखिए, बस आज मेरा सारा मॉर्निंग का काम हो गया है, बस झाड़ू पोछा ये सब सब हो गया है। और अब मैं जाऊंगी मॉर्निंग का मतलब कि पूजा करने, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और फिर उसके बाद ये देखिए मेरा पीछे में मिट्टू है, तो वो देख रहा है कैमरा में, तो आप लोग भी देख लीजिए मेरे पीछे से देख रहा है। और फिर उसके बाद मैं मतलब कि आज एक अलग मतलब ये क्या कहते हैं उसकी सब्जी बनाऊंगी, तो उसकी सब्ज़ी मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की है, तो आज मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि आज सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा वही आया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं सब्ज़ी पहली बार बना रही हूँ इसे शेयर कर देती हूँ। तो बस उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी और फिर उसके बाद एक कुछ और बना लूँगी, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी अभी पहले पूजा कर लेती हूँ फिर चाय बना लेती हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ और इसे क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा मुझे। और हम लोग बोलते हैं इसको कुंदरी बोलते हैं, और कुंदरू कुंदरी यही बोला जाता है। तो मैंने इसे काट के धो लिया है और बस इसे मैं इसकी भुजिया बनाऊंगी, और मतलब सब्जी सूखी सब्जी भुजिया। और इसे मैंने छौंक दिया है वही जीरा और मिर्चा का फ़ौरन डाल के, थोड़े से तेल डाल के। और देखिए इस तरह मैंने लंबा लंबा ही काटा है। और देखिए यहाँ पे और सब मतलब सारे सब्जी एक बार खा लेना चाहिए सीजन में, तो ये भी आया है तो ताज़ा ताज़ा, तो मैंने बना लिया है। और ये देखिए मेरा भुजिया तैयार हो गया है, और मैं तो मतलब उतना नहीं खाती लेकिन थोड़ा मोड़ा खा लेती हूँ। और फिर आलू की भी भुजिया मैं बनाऊँगी, और पहले ये भून के मैंने रख लिया है, फिर अब आलू की। आलू की भुजिया भी मैंने काट के धो के रख लिया है, और बस अब जीरा और मिर्चा मैंने डाल दिया है। और अब मैं ये बच्चे को अपना दूध दे रही हूँ, अपना बेटा को, और बूस्ट डाल के। और फिर मैं आलू की भुजिया भी छौंक ले रही हूँ, और ये देखिए मैं आलू की भुजिया छौंक ली और ये बच्चे लोग के लिए बना रही हूँ। और बच्चे लोग मेरे वो नहीं खाते हैं इसलिए ये आलू की भुजिया बना दे रही हूँ थोड़ी सी। और इसमें नमक, हल्दी और गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर यही थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, और नमक, और नमक अभी नहीं डाला, थोड़ी देर बाद डालूँगी। और बस इसे अच्छी तरह मैं भून ले रही हूँ, और भून अच्छे से मिला ले रही हूँ। और ये देखिए अच्छे से भून ले रही हूँ, और उसके बाद मैं आटा सान के रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ कि मैं भून रही हूँ, और फिर किचन में थोड़ा अंधेरा जैसा रहता है तो अच्छा से वीडियो शूट नहीं होता है, लेकिन मतलब हल्का ज़्यादा अच्छा साफ से नहीं दिखता। और ये देखिए कुंदरी वाला भुजिया और आलू का मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और बस जल्दी जल्दी देखिए आटा मैंने भी सान लिया है, और ये आलू की भुजिया बन रही है अभी। बस मेरी आलू की भुजिया भी बन गई है ये देखिए, और बस मैं प्लेट लगा दे रही हूँ। ये देखिए कुंदरी का भुजिया और आलू का भुजिया और पराठा, क्योंकि पराठा ही ठीक रहेगा, रोटी सूखी सूखी लगेगी, पराठा थोड़ा सा ठीक लगेगा, तो इसलिए मैंने पराठा ही बना दिया है। और बस आइए थाली लगा दी, आप लोग भी आके खा लीजिए देखिए। और बस अच्छा लग मतलब अच्छा था, चटपटा सा था मतलब थोड़ा, और बस आइए और खा लीजिए। और अब मैं जा रही हूँ, और ये देखिए मैंने एक ऑनलाइन चादर मंगाई थी, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ चादर। और ये देखिए चादर, और ये देखिए चादर, और ये दो तकिया खुल भी है उसमें, तो ये तकिया खुल में देखिए चेन है, और चेन भी बहुत अच्छा है, मतलब बार बार खोलो बार बार बंद करो कुछ भी नहीं होने वाला है, और बहुत अच्छा मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मंगा लिया था मैंने ऑनलाइन। और ये चादर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और बस इस छोटे छोटे चीज़ से औरतों लोग खुश हो जाती है, तो चादर मंगाया तो खुशी, बस मुझे खुशी मिल गई है। और ये देखिए कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चादर मेरा चादर फट गया था, दो चादर था तो एक चादर फट गया था, तो एक बिछाओ फिर भिजने से क्या बिछाएंगे, इसलिए कुछ मतलब इसलिए एक मंगा लिया है। और ये देखिए चादर कैसा लग रहा है बताइएगा।
और ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं बिछा के आपको बताऊंगी। अभी बिछा के नहीं, मैंने नहीं दिखाया, अभी इसी तरह दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिछा के दिखा दूँगी अच्छे से। और देखिए मैं खोल के दिखा दे रही हूँ, खोल के दिखा दे रही हूँ और फिर बिछा के भी दिखा दूँगी। तो कैसा लग रहा आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बस शाम को मैं चूड़ा बादाम बच्चे लोग के लिए भून रही हूँ और हम लोग भी खाते हैं। तो पहले मैं बादाम को अच्छी तरह से भून ले रही हूँ और फिर उसके बाद मैं चूड़ा को भून लूँगी। तो ये देखिए मैंने चूड़ा को अच्छे से चाल दिया है ताकि उसमें छोटा छोटा जो रहता है सारा कुछ निकल जाता है, और चाल के मैं यहाँ रख दी हूँ। और ये देखिए बादाम भून जाएगा, उसके बाद मैं चूड़ा भी भून लूँगी। तो मेरा बादाम भून ही चुका है, तो मैं फिर उसके बाद चूड़ा डाल दी हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के भून देती हूँ चूड़ा, और डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। तो शाम का स्नैक्स थोड़ा मोड़ा हो जाता है, कुछ मन करता है खाने का तो ये देखिए आप। और मैं अलग अलग करके भूनती हूँ, पहले बादाम फिर उसके बाद चूड़ा और फिर मिला देती हूँ एक में ही। तो देखिए मैं भून ले रही हूँ अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद ये देखिए बादाम भी मेरा भून चुका है। तो इतना मैंने बादाम भूंजा है। तो देखिए मेरा चूड़ा भून गया है और अच्छी तरह से मैं भून लेती हूँ, और फिर उसके बाद देखिए उसको ठंडा हो जाएगा तो मैं कोई डब्बे में भर के रख दूँगी। और मैं इतनी मतलब देखिए दिखा देती हूँ, पास से दिखा देती हूँ आपको, और आप लोग देख लीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है, और आप लोग कैसे करके भूनते हैं ये भी बताइएगा। और मैं इस तरह से भूनती हूँ, ये देखिए। आइए आप लोग खा लीजिए गर्मा गर्म चूड़ा बादाम, एकदम अभी गर्म है देख लीजिए आप लोग, और गर्म गर्म चूड़ा बादाम बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए कितना अंधेरा, शाम का टाइम भी था तो अंधेरा अंधेरा थोड़ा लग रहा है, और मतलब कि मैं दिखा दे रही हूँ चूड़ा बादाम कितना अच्छा लग रहा था। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स शेयर करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब के क्यों एक भी पैसे नहीं लगते हैं। और अभी मैं यूट्यूब पे चैनल पे नई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फिर मतलब कि आप लोग अनसब्सक्राइब मत क्या करिए, जो है मतलब कि वो भी ख़त्म आप लोग कर देते हैं, इसलिए प्लीज़ ख़त्म मत करिए। और सब्सक्राइब अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करिए, और फिर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत मुझे खुशी मिलती है, और मेरा हौसला भी बहुत बढ़ जाता है। मैंने सोचा कि आज अपने वीडियो को एंड करती हूँ तो अपने गार्डन के तरफ ही करती हूँ। तो देखिए मेरे मतलब गार्डन में मैं आई हूँ, तो यहाँ कड़ी पत्ता का एक गाछ है, देखिए आपको दिखा देती हूँ, और पपीता का भी गाछ है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ बाहर का माहौल जितना अच्छा रहता उतना घर का नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ वहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करिएगा, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अनसब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत ही मुझे दुख होता है, क्योंकि आप लोग अब मतलब कि मेरा आदत हो गया है, और आप लोग मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं, इसलिए तो अपने दोस्तों लोग से मतलब कि कुछ बात हुआ तो दुख तो होता ही है, इसलिए प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब नहीं करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब करते तो मुझे बहुत ही हौसला मिलता है, इसलिए आप करिए। और मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ तो फिर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोग से भी शेयर करिए। और बाय बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, थैंक यू।